लापरवाही किसी भी हादसे को खुला न्योता देती है। इसी तरह की लापरवाही का नजारा हाथरस में भी देखने को मिला। हाथरस में कोतवाली सदर क्षेत्र के गणेशगंज में स्थित रिफाइंड फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की वजह से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फैक्ट्री संचालक को दी। फैक्ट्री मालिक ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाने की काफी कोशिश की, पर जब आग विकराल रूप धारण करने लगी तो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अगर आग पर काबू पाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो भीषण हादसा हो सकता था, क्योंकि अंदर काफी मात्रा में खुली हुई रिफाइंड के भरे हुए टैंक थे और बराबर में गैस एजेंसी भी थी। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक के मुताबिक इस फैक्ट्री में खुली रिफाइंड के टैंकर आते हैं, जिनकी पैकिंग विभिन्न ब्रांडों के नाम से की जाती है और मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि घनी आबादी के बीच इस फैक्ट्री को चलाने की परमिशन कहां से मिली। स्थानीय लोगों की माने तो चर्चा यह भी है कि यहां पाम ऑयल को रिफाइंड के रूप में बेचा जाता है। मामला जब मीडिया की नजरों में आया तो फैक्ट्री संचालक तुरंत मौके से गायब हो गए। फैक्ट्री मालिक का ये रवैया भी शक पैदा करता है।